राज्य सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले इस वायरल वीडियो ने प्रदेश की सियासत को चरम सीमा पर पहुंचा दिया है और इन सबके बीच में जिस वीडियो का जिक्र हम यहां पर आपसे कर रहे हैं, इमरती देवी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर बड़ा आरोप लगा रही है। महगांव में चुनावी सभा को संबोधित करती हुई इमरती देवी ने कहा, कमलनाथ जी हमारी फाइलें फेंक देते थे, वो कहते थे खजाने में पैसा नहीं है, कमलनाथ सारा पैसा छिंदवाड़ा लेकर चले गए। इमरती देवी इस वीडियो में कहती हैं, मैंने ज्योतिरादित्य सिंधिया से कहा था अगर इस क्षेत्र में नहर का निर्माण नहीं हुआ अगले 5 साल इमरती देवी चुनाव नहीं लड़ेगी। मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए जब भी कमलनाथ के पास फाइल लेकर जाती तो वो खजाना खाली होने की बात कहकर फाइल लौटा देते। कैबिनेट की बैठक में अंग्रेजी झाड़कर सारा पैसा छिंदवाड़ा लेकर चले गए। इमरती देवी इस वीडियो में चुनावी सभा को संबोधित करती हुई ये भी कहती हैं, कांग्रेस की सरकार के दौरान मैं इस इलाके में एक हैंडपंप नहीं लगवा पाई, आप शिवराज सिंह चौहान ने 5-5 मोटरें दी हैं, अब हमारी सारी मांगें पूरी हुई हैं, अब आप लोग बता दो मैंने गद्दारी की है कि ईमानदारी। और इस बीच जनता के बीच से आवाज आई, ईमानदारी। आपको बता दें इमरती देवी लगातार कांग्रेस के निशाने पर हैं, कांग्रेस पार्टी की ओर से कभी उनके खिलाफ विवादास्पद अपमानजनक टिप्पणी की जाती है तो कभी इमरती देवी की काबिलियत को सवालों के कटघरे में खड़ा किया जाता है, लेकिन इमरती देवी अपनी सूझबूझ से ज्योतिरादित्य सिंधिया की तारीफों के पुल बांधती हुई हमेशा कांग्रेस के हर बार पर पलटवार करती हैं और इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।